कर्क राशि 1 जून से 30 जून तक की बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए क्या रहने वाली है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कर्क राशि वालों की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो कर्क वालों का राशिफल है, यह आप अपने कर्क लग्न के अनुसार भी देख सकते हो, कर्क राशि के अनुसार भी देख सकते हो। अगर लग्न कुंडली है तो लग्न पे ये गोचर लगा करके देखिएगा। अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो सेकंड नंबर पे आप अपने चंद्र राशि के अनुसार फल देखिएगा। कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत उपाय करने का कष्ट आप लोग जरूर किया करें, उपाय में बड़ी दम होती है। यदि आप उपाय करते हो तो आसानी से परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूला करिए। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर क्या है। तो आपके कुंडली में 11वें भाव में जो कि आमदनी का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है, उस भाव में शुरुआत में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य देवता, शुक्र देवता, गुरु देवता और बुध देवता। 4 ग्रहों का जमावड़ा जो है आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बना हुआ है। धनेश, भाग्येश, आयेश और साथ ही साथ तृतीयेश, ये 4 ग्रह जब एक साथ बैठेंगे एक भाव में तो जाहिर सी बात है वह भाव बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देंगे। क्योंकि एक से अधिक ग्रह जिस भाव में भी होता है वह भाव बहुत पावरफुल हो जाता है। मंगल देवता जो आपके कर्म के मालिक हैं, पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में, उदित अवस्था में, आपके दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठे। सूर्य अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं 11वें में, और वहीं मंगल दिग्बली होकर के दशम स्थान पर विराजमान है। शनि की ढैया तो आपके ऊपर चल ही रही है, आपको पता ही है। लेकिन अभी आपको शनि से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो कारक प्लेनेट हैं जबरदस्त तरीके से फेवर करते हुए जून के महीने में भी नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी ये नजर आते रहे। राशिफल शुरू करें, जानकारी देते हैं। सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में, तो मंगल का दशम में बैठ करके दिग्बली हो जाना नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलने वाला है। सरकारी नौकरी नहीं है, प्रयास करो। अगर बाई बर्थ ग्रह आप मजबूत लेकर के पैदा हुए हो, दशम भाव कुंडली का आपका मजबूत है, तो इस समय गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के प्रबल योग बने हैं और यह योग पूरा महीना बने रहे, जून का महीना। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, अभी से जुट जाओ, आने वाले समय में नौकरी में उन्नति मिलना, प्रमोशन मिलना, सैलरी बढ़ जाना, बॉस उच्च अधिकारी का सहयोग मिलने लगना, इसके लिए ग्रह गोचर बहुत गजब का बना हुआ है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। उधर कर्क वालों के जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि वालों के लिए, वहां पर थोड़ा निगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है कि हो सकता है आप बुद्धि में भटकाव अनुभव करें, क्योंकि शिक्षा में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी तभी मन मुताबिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि 4 ग्रहों का बुद्धि पर एक साथ प्रभाव पड़ना कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है, बुद्धि में भटकाव उत्पन्न करता है। अगर ऐसी विद्यार्थी कोई भी दिक्कत अनुभव करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही है कि आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति सो है, बहुत खराब नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। कभी छोटा मोटा हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उसमें कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन यदि बात करें तो भैया 6 तारीख के बाद से वैवाहिक जीवन, 6 जून से वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप प्रयास में लगे रहिए, 6 जून के बाद कभी भी
आपकी यह कामना पूरी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। और उधर 6 जून से संतान प्राप्ति के प्रबल योग भी बनने जा रहे हैं, इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। संतान यदि नहीं है, कोशिश करोगे तो संतान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो जाए। इसके बाद अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, व्यापार में भरपूर मात्रा में आपके पास धन आता हुआ नजर आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय कर्क वालों का 6 जून के बाद से एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके फल स्वरूप जो काम करोगे तन मन से करोगे, आगे बढ़ने में आपको छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकरों का, अधीनस्थ कर्मचारियों का, सबका भरपूर मात्रा में आने वाले समय में सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप देश विदेश जाना चाहते हो, यात्राएं करना चाहते हो, तो मान के चलो भैया समय बहुत उत्तम शुरू हो चुका है, इसका आप लाभ उठाइए। निश्चित तौर पर यात्राओं से आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। जो लोग किसी भी प्रकार का टूरिंग ट्रेवलिंग का, सेल्स मैनिंग का, इस तरीके का काम कर रहे हैं, घूमने फिरने वगैरह का, तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ले करके आने वाला है। काम कारोबार तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ धीरे धीरे आमदनी भी आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। यहाँ से जबरदस्त तरीके से पैसा आता हुआ सभी कर्क वालों को नजर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सावधानी आपको क्या रखनी है उसकी भी मैं जानकारी दे दूं कि सबसे पहली चीज, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। शनि के निमित्त अगर कुछ करना है तो दीपक जला दो तो अलग चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा मंत्र का जप मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि जप करोगे तो पहली चीज तो आपका कार्य क्षेत्र बाधित होगा, क्योंकि शनि की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी उन उन भावों के प्रभाव को स्लो कर देंगी। शनि के मंत्र का बहुत ज्यादा जप नहीं करना है, कोशिश करना है बृहस्पतिवार, इतवार, मंगलवार और गुरुवार 4 दिन कमर के ऊपर गलती से भी आप काले या डार्क नीले रंग के कपड़े न पहने तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति को जितना आप मजबूत करोगे उतनी ही ज्यादा इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन अंत में एक नकारात्मक प्रभाव सुन लीजिए। वो नकारात्मक प्रभाव ये रहेगा कि मंगल देवता की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसके फल स्वरूप हो सकता है सभी काम आपके निश्चित तौर पे बनेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मानसिक अशांति आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। अगर ऐसा आपको अनुभव हो रहा है कि मानसिक अशांति हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही रहने वाला है, ओम चंद्र शेखराय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। धन के विषय में कुल मिलाकर के अगर देखें तो यह माह बहुत उत्तम है। उपाय करिए, खुश रहिए, भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक 6 जून को उदित हो जाएगा। और जैसे ही गुरु उदित होंगे, जो भी काम आपके पेंडिंग में चल रहे हैं, जो भी इच्छाएं आपकी अधूरी चल रही, निश्चित तौर पे वो पूरी हो जाए। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे, नमस्कार।